चले नेक्स्ट इशू इज कैश जनरेटिंग यूनिट CGU। पहले तो डिस्कस कर लेते हैं ये क्या है और यहाँ इम्पेयरमेंट में इसका क्या काम है। ठीक है, देखो अब तक हम जो इम्पेयरमेंट पढ़ रहे थे तो हम ये एज्यूम कर रहे थे कि एक सिंगल एसेट हमारे पास है, उसका हमने कैरिंग अमाउंट फाइंड आउट किया, सही है, और हमें इंडिकेटर नजर आया तो हमने उसका रिकवरेबल अमाउंट फाइंड आउट कर लिया, सही। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि जब आप किसी सिंगल एसेट का रिकवरेबल अमाउंट फाइंड आउट करने जाते हैं तो आपको पता ही लगता है कि वो सिंगल एसेट इंडिविजुअली इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट कर ही नहीं रहा, बल्कि वो सिंगल एसेट जो है वो कलेक्टिवली दूसरे एसेट्स के साथ मिलकर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट कर रहा है, सही है। तो जब आप एक सिंगल एसेट का इकोनॉमिक बेनिफिट सेपरेटली फाइंड आउट नहीं कर पाते तो उसका रिकवरेबल अमाउंट भी नहीं कैलकुलेट हो सकता, सही है। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं ग्रुप ऑफ एसेट्स, सही है। सो ग्रुप ऑफ एसेट, अ कैश जनरेटिंग यूनिट इज द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ एसेट। That generates cash flows independent of other assets or other group of assets. ठीक है? Yes, sir. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये कहेंगे यार एक ऑफिस के अंदर एक एसी लगा हुआ, ठीक है, तो आप क्या ये बता सकते हैं इस एसी की वजह से कितना इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है? नहीं, नहीं बता सकते, नहीं बता सकते ना, ठीक है। लेकिन उस ऑफिस में हमने यूनिट्स बनाए हुए, डिफरेंट यूनिट्स है, उस यूनिट में कई एसी लगे हुए हैं, कई मशीन लगी हुई है, कई पंखे लगे हुए हैं, तो उस यूनिट के अंदर बहुत सारे एसेट्स मिलकर इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहे हैं, तो हम उस यूनिट को क्या कहेंगे, इट्स अ कैश जनरेटिंग यूनिट, सही है। और फिर हम इंडिविजुअल एसेट का इंपेयरमेंट टेस्टिंग नहीं करेंगे बल्कि ग्रुप ऑफ एसेट को एक साथ इंपेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे, सही है। तो हमने क्या किया, हमने एक ग्रुप ऑफ एसेट का कैरिंग अमाउंट निकाला और फिर उस ग्रुप ऑफ एसेट का रिकवरेबल अमाउंट निकाला। इज देयर एनी इंपेयरमेंट? क्या ये ग्रुप ऑफ एसेट इंपेयर्ड हो रहे हैं? हाँ सर, हो रहे हैं। नहीं, कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, कैरिंग अमाउंट ज्यादा है ना, यस सर, तो इसका मतलब है 2000 की इंपेयरमेंट आ गई, सही है, सही सर। अब एक प्रॉब्लम है, उस ग्रुप ऑफ एसेट में बहुत सारे एसेट्स हैं, सही है, तो ये इंपेयरमेंट हम किस एसेट पे चार्ज करें? सर ये सब पे डिवाइड नहीं करते? अब इसका हमें ट्रीटमेंट सीखना पड़ेगा कि अगर एक कैश जनरेटिंग यूनिट के अंदर इंपेयरमेंट टेस्टिंग होती है और इंपेयरमेंट निकल आता है तो वो इंपेयरमेंट कैसे चार्ज किया जाए। सही है, तो इसका एक ऑर्डर है, IS 36 के अंदर इसका एक ऑर्डर दिया हुआ है, उस ऑर्डर को इस्तेमाल करते वक्त हम इसकी इंपेयरमेंट करेंगे और उसकी एलोकेशन करेंगे, ठीक है? ओके। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं एक कैश जनरेटिंग यूनिट की और फिर हम इसको ऑर्डर पे चार्ज करते हैं, ठीक है? लेकिन उससे पहले मैं आपको वो ऑर्डर बता देता हूं, ऑर्डर ऑफ एलोकेशन। पहले क्या करेंगे, फर्स्ट Against goodwill, हो सकता है तुम्हारे माइंड में एक सवाल आए कि गुडविल तो पूरी कंपनी की होती है, सही है, तो फाइन है ना, पूरी कंपनी की होती है, लेकिन कंपनी के अंदर जो जितने यूनिट्स होते हैं
वो उस गुडविल का बेनिफिट तो उठा रहे होते हैं ना। यस सर। तो हम क्या करते हैं, हम उस गुडविल को एलोकेट कर देते हैं डिफरेंट यूनिट्स के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि जिस कैश जनरेटिंग यूनिट की हम इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कर रहे हैं उसके पास गुडविल भी होगी। और अगर आपकी कैश जनरेटिंग यूनिट की वैल्यू डाउन होती है तो हम कहते हैं सबसे पहले गुडविल डाउन होती है। सही। तो क्राइटेरिया ये बना हुआ है कि अगर कोई लॉस चार्ज करना है तो वो दूसरे एसेट्स पे चार्ज नहीं होगा, वो सबसे पहले किस पे चार्ज होगा, गुडविल पे चार्ज होगा। सही है। उसके बाद अदर एसेट्स पे चार्ज होगा, खास तौर पर सबसे पहले किस पे चार्ज होगा, जो एसेट डैमेज हुआ है, अगर कोई एसेट स्पेसिफिकली डैमेज हुआ है तो उस पे चार्ज होगा। और उसके बाद भी अगर इंपेयरमेंट लॉस बच गया तो जो बाकी बचे हुए एसेट्स होंगे उस पे प्रोरेटा बेसिस के ऊपर चार्ज हो जाएगा। या ये 36 अंदर क्राइटेरिया लिखा हुआ है, पहले गुडविल पे चार्ज करें, फिर स्पेसिफिक एसेट पे चार्ज करें, उसके बाद रिमेनिंग एसेट्स के ऊपर प्रोरेटा बेसिस के ऊपर चार्ज करें। रिमेनिंग एसेट्स के ऊपर जब प्रोरेटा बेसिस के ऊपर चार्ज करेंगे तो इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि उन एसेट्स पे चार्ज नहीं करेंगे जो इम्पेयर्ड नहीं हो सकते। अगर कोई एसेट इम्पेयर्ड हो ही नहीं सकता, जैसे कैश जनरेटिंग यूनिट में कैश रखा हुआ, क्या कैश इम्पेयर्ड हो सकता है? नहीं सर। कैश तो 10,000 है तो 10,000 ही रहेगा। तो जो रिमेनिंग लॉस होगा वो कैश को हटा के जो भी इम्पेयर्ड एसेट्स हो सकते हैं उस पर चार्ज हो जाएगा। अगर एक कैश जनरेटिंग यूनिट के अंदर लायबिलिटी है, लायबिलिटी की तो इम्पेयरमेंट नहीं होती, लायबिलिटी पे चार्ज नहीं करेंगे। सही है जी। अब मैं एग्जाम्पल करवाता हूँ तो उसके अंदर ऑर्डर में तुम्हें समझाता हूँ कि ऑर्डर किस तरह से फॉलो किया जाता है। अच्छा जी। अ कैश जनरेटिंग यूनिट कंप्राइजेज ऑफ बिल्डिंग प्लांट एंड इक्विपमेंट गुडविल एंड करंट एसेट्स। तो हमारे पास बिल्डिंग है, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, गुडविल है और करंट एसेट्स। एज्यूमिंग एक कैश जनरेटिंग यूनिट हमारे पास है और वो इन सारे एसेट्स से मिलके बना है। ये उसकी वैल्यू है सबकी इंडिविजुअली कैरिंग अमाउंट। सही। अच्छा, रिकवरेबल अमाउंट हमने फाइंड आउट किया तो पूरे यूनिट का रिकवरेबल अमाउंट हमारे पास आया 5,000 तो सबसे पहले तो हमने कैरिंग अमाउंट निकाला कैश जनरेटिंग यूनिट का, इन सबको प्लस कर दें 30+6+10+20 66 मिलियन का कैरिंग अमाउंट है। ठीक है। उसके बाद सीपीयू का रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर किया तो 16 मिलियन का इम्पेयरमेंट लॉस आ गया इस सीजीयू के अंदर। सही है। यस सर। अच्छा, अब इसको एलोकेट करेंगे किस ऑर्डर में एलोकेट करेंगे जो थोड़ी देर पहले हमने बनाया था। सही है। यस सर। तो उसके लिए एक फॉर्मेट बना लेते हैं, कैरिंग अमाउंट बिफोर इम्पेयरमेंट, उसमें से इम्पेयरमेंट माइनस होगी, एंड कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पेयरमेंट। इस तरह से हमने एक स्केड्यूल बना दिया। इसमें सबसे पहले हमने अपने पहले एसेट का नाम लिखा, बिल्डिंग प्लांट गुडविल एंड करंट एसेट्स, बिल्डिंग प्लांट गुडविल एंड करंट एसेट्स। इंपेयरमेंट होने से पहले इनकी वैल्यूज कितनी थी सर? है ना, बिल्डिंग की 30 थी, प्लांट की 6, टोटल कैरिंग अमाउंट कितना था? 36।
66, ठीक है जी सर। टोटल इंपेयरमेंट लॉस कितना चार्ज करना है? 16। 16 के बाद चार्ज करने के बाद इसका रिकवरेबल अमाउंट कितना हो जाएगा? 50। ठीक, अब एलोकेट देखो कैसे करते हैं। 16 मिलियन का इंपेयरमेंट लॉस है फर्स्ट अगेंस्ट गुडविल, गुडविल कितनी है? 10 है, 10 माइनस कर दिया, 10 पूरी गुडविल जीरो कर दें। अच्छा, बाकी लॉस कितना बचा? 6 बचा। 6। किसी स्पेसिफिक एसेट के बारे में हमें कुछ नहीं पता, तो हम अदर एसेट्स पे प्रोरेट कर देंगे। अदर एसेट्स हमारे पास कितने बचे? बिल्डिंग, सही है? हाँ। अच्छा, करंट एसेट्स पे उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक हमें करंट एसेट्स की डिटेल ना पता हो। अच्छा, सही है, क्योंकि करंट एसेट इसने दिया हो सकता है कैश हो, इसका मतलब है करंट एसेट को मैं छोड़ देता हूँ, करंट एसेट पे चार्ज नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, अगर करंट एसेट्स की डिटेल दी हुई हो, इन्वेंट्री दी हुई हो, रिसीवेबल्स दिए हो, तो रिसीवेबल्स इंपेयर्ड होते हैं, सही है? हाँ, यहाँ क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि करंट एसेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। तो गुडविल निकल गई, करंट एसेट्स को हटा दिया मैंने, बाकी एसेट्स कौन से बचे? बिल्डिंग और प्लांट। बिल्डिंग और प्लांट, अब इसको प्रोरेट करूंगा, बाकी लॉस कितना बचा? 6। 6 को प्रोरेट करूंगा बिल्डिंग और प्लांट के ऊपर। देखो कैसे प्रोरेट करता हूं, बिल्डिंग पे कितना चार्ज होगा? 6 मिलियन का लॉस है, सही है? बिल्डिंग का कैरिंग अमाउंट कितना है? 30, सही है? और बिल्डिंग और प्लांट का मिलाकर कैरिंग अमाउंट कितना है? 36। तो क्या प्रोपोर्शन बना? 5। 5। 5 पांच किस पे चार्ज कर दूंगा? बिल्डिंग पे। इसी तरह प्लांट 6 मिलियन, प्लांट की अपनी वैल्यू कितनी है? 6 out of 36, कितना हो गया? 1 मिलियन। प्लांट पे कितना चार्ज कर दिया? 1 मिलियन हो गया पूरा 16 जी। 30 में से 5 माइनस किया 25, 6 में से 1 माइनस किया 5, 25 और 5 30 और ये 20 करंट एसेट्स का हो गया 50 जी सर, सही है? यस सर। एलोकेशन समझ में आई? जी सर। अच्छा जी, चलें एक एग्जांपल करते हैं, समझ में आ गई है तो। कैश जनरेटिंग यूनिट वाला जो पार्ट है ना, वो F7 में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आगे जो इसका एडवांस पेपर आता है ना SBR, उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें एग्जामिनर इंपेयरमेंट की फर्दर डिटेल्स में जाता है। हमारे लेवल के ऊपर इंपेयरमेंट में कभी आज तक F6 के अंदर और F7 के अंदर कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं आया, तो इंपेयरमेंट वाला जो IAS है 36 कंसीडर टू बी एन इजी IAS। ठीक, 38 तो मैं पता वैसे इजी है, 38 में कोई खास मसला नहीं है, 16 इज बिट कॉम्प्लेक्स, खास तौर पे जब ओवरहॉलिंग आ जाती है या कॉम्प्लेक्स एसेट्स आ जाता है या रिवैल्यूएशन आ जाता है, तो आइए 16 बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उसको तुम्हें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है टाइम की। सही है,
एक कैश जनरेटिंग यूनिट हमारे पास है, उसके अंदर बिल्डिंग है, 10 मिलियन की प्लांट है, गुडविल है, अकाउंट रिसीवेबल है, और रिकवरेबल अमाउंट जो सीजीयू का है वो टोटल 25 मिलियन का है, ठीक है? तो सबसे पहले हमने तो कैरिंग अमाउंट को कंपाइल किया, तो 10 + 20 = 30, 35 + 3 = 38, तो हमने कहा कि जी सीजीयू का कैरिंग अमाउंट कितना आ गया, 38 मिलियन, इसका रिकवरेबल अमाउंट था 25 मिलियन, सो हमारे पास 13 मिलियन का इंपेयरमेंट लॉस ऑफ सीजीयू आ गया, सही है? यस सर। हम किस ऑर्डर में फॉलो करेंगे? गुडविल करेंगे फर्स्ट, अगेंस्ट गुडविल, अच्छा एक चीज ध्यान में रखना, मैंने जो ये ऑर्डर लिखवाया था ना इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लो, आईएस में देखो जो दिया हुआ है ना उसके हिसाब से हम फॉलो करें, तो वो तो ये दिया हुआ है फर्स्ट अगेंस्ट गुडविल एंड ए और सी दिया हुआ, सही, लेकिन सीक्वेंस मुझसे थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, आईएस में नहीं लिखा हुआ, लेकिन कॉमन सेंस को अगर इस्तेमाल करें तो आप इसको यू कर लेना कि ये हो गया, ठीक है, ये आईएस yes, वाला तरीका हो गया, ठीक है, लेकिन एक कॉमन सेंस ये कहता है कि अगर आपका कोई स्पेसिफिक एसेट डैमेज हुआ है तो वो तो जीरो हो चुका होगा ना, यस सर, तो पहले उसके अगेंस्ट चार्ज कर देना, सही, तो मैंने ये हटा दिया था कि वो आईएस वाली वर्डिंग क्लैश ना करे, पहले स्पेसिफिक एसेट पे चार्ज करेंगे, उसके बाद गुडविल पे चार्ज करेंगे, उसके बाद अदर एसेट्स पे चार्ज करेंगे, तो स्पेसिफिक एसेट इसलिए नहीं लिख रहा कि कॉमन सेंस है कि स्पेसिफिक एसेट पे पहले चार्ज होना चाहिए, सही सर, सही, प्रीवियसली मैंने उसको थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया था। अब देखो इसमें तो कोई स्पेसिफिक एसेट की इंफॉर्मेशन नहीं है ना, नहीं सर, तो हम पहले गुडविल पे चार्ज करेंगे 5 मिलियन पे ऊपर, तो हमने अपने बिल्डिंग की अमाउंट लिखी, प्लांट की अमाउंट लिखी, गुडविल की अमाउंट लिखी और अकाउंट रिसीवेबल, सही, बिल्डिंग का कैरिंग अमाउंट था 10, 20, 5, 3, 10, 20, 5, 3, सबसे पहले 5 की गुडविल मैंने जीरो कर दी, राइट ऑफ कर, उसके बाद 13 मिलियन में से मेरे पास रिमेनिंग लॉस कितना बचा, 5 माइनस करके 8, इस 8 मिलियन को मैं अपोर्शन करूंगा, यस सर, तो इस 8 मिलियन को जब मैं अपोर्शन करने जाऊंगा तो बिल्डिंग मेरे पास बाकी बची है, प्लांट मेरे पास बाकी बचा है और रिसीवेबल मेरे पास बाकी बचा है, सही है, तो इन तीनों की वैल्यू को मैं अगर कंपाइल करता हूं तो बिल्डिंग 10 मिलियन की है, प्लांट 20 मिलियन का है और रिसीवेबल 3 मिलियन के, 33 मिलियन हो गए, यस सर, सो 8 मिलियन मल्टीप्लाई बाय बिल्डिंग का 10 मिलियन आउट ऑफ 33, समझ में आया कैसे आया, यस सर, गुडविल हटा दी मैंने, 2.4, इसी तरह प्लांट पे गए तो 20 मिलियन मल्टीप्लाई बाय, सॉरी 20 मिलियन है, पहले मैंने इंपेयरमेंट लिखी 8 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 20 मिलियन आउट ऑफ 33 मिलियन, हाउ मच, 4.8, इसी तरह रिसीवेबल्स हमारे पास थे 3 मिलियन के आउट ऑफ 33 मिलियन, 0.7, अब इसको ऊपर चार्ज कर देते हैं, बिल्डिंग पे चार्ज हो गया 2.4 मिलियन, बिल्डिंग 2.4 मिलियन से कम हो गई, वो 4.8 मिलियन से कम हो गया और ये 0.7 मिलियन से कम हो गया, 7.6, 7.6, 15.2, 15.2, 2.3, 2.3, सही, इन सबको कंबाइन करोगे तो आंसर रिकवरेबल अमाउंट के बराबर आ जाएगा 25 मिलियन, सही जी सर, कोई सवाल नहीं सर, काफी है,
अच्छा जो हमने वो पढ़ा था ना कि रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस भी हो जाता है, तो रिवर्सल जो है वो सीजीयू के अंदर भी हो जाता है, लेकिन F7 में इस लेवल पे नहीं जाता एग्जामिनर कि वो सीजीयू का इम्पेयरमेंट भी दे दे और उसका रिवर्सल भी दे दे, आज तक कभी उसने नहीं पूछा। सही है। लेकिन अगर इन केस कभी आ जाए इत्तेफाक तुक्के में, या सिंपली वो आपसे पूछ ले कि यार रिवर्सल का ऑर्डर बता दो, तो जो हमने इम्पेयरमेंट का ऑर्डर बताया वो क्या था?